दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर और कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आईपीएल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। शुरू होने में दो दिन बचे हुए हैं। आईपीएल का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच है। इस मैच से पहले श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। दोस्तों आप इस वीडियो में ये तो जानेंगे कि किन 11 खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में शामिल किया है, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर में से कौन कप्तान है? दोस्तों हम आपको बता दें कि इस साल श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से खेल रहे हैं। इससे पहले श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने श्रेयस अय्यर को 12.75 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है और इनको अपनी टीम का कप्तान चुन लिया है। जैसा कि आप कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच 26 मार्च को मैच खेला जाएगा, तो इसके लिए श्रेयस अय्यर ने कोलकाता की टीम की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार आईपीएल में धूम मचाने वाली है। आप सभी को बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कोलकाता की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के ओपनर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर और एलेक्स हेल्स को चुना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वेंकटेश अय्यर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हाल ही में हुए रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही दोस्तों हाल ही में उन्होंने T20 इंटरनेशनल में भी अपना डेब्यू किया है और वहां भी उन्हें बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। पिछली बार भी वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल तक पहुंच पाई थी, तो इस बार देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वेंकटेश अय्यर कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसी के साथ उनका साथ देंगे एलेक्स हेल्स, जो कि एक कमाल के बल्लेबाज है। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर खुद श्रेयस अय्यर आएंगे। हम आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने हाल ही में काफी तूफानी पारी खेली है। अभी हुए श्रीलंका दौरे पर भी उन्होंने कई लंबे लंबे छक्के लगाए, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश राणा को अपनी टीम में शामिल किया है। नीतीश राणा भी एक भारतीय युवा बल्लेबाज हैं जो काफी अनुभवी हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे आंद्रे रसेल। जी हाँ दोस्तों, आंद्रे रसेल एक बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं, जो कि अपने लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं और इन्हें फिनिशर का किंग भी कहा जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे जैक्सन। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की फिनिश इस बार काफी तगड़ी होने वाली है, इसलिए श्रेयस अय्यर ने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आएंगे सातवें नंबर पर पैट्रिक मिंस, जो कि एक शानदार ऑलराउंडर है और काफी लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं। वहीं आखिरी में आकर टीम को बड़ा लक्ष्य हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी काबिलियत को देखकर श्रेयस अय्यर ने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। इसके बाद आठवें नंबर पर श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर सुनील नारायण को रखा है, जो कि एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। इसके बाद नौवें नंबर पर शिवम मावी, जो कि बहुत ही तेज गेंदबाज हैं, वो दसवें नंबर के खिलाड़ी उमेश यादव का साथ निभाएंगे। इन दोनों तेज गेंदबाजों की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स किसी भी टीम के होश उड़ा सकती है। इसी के साथ आखिरी खिलाड़ी होंगे वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती भी बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं जो कभी भी टीम के लिए विकेट ले सकते हैं। तो दोस्तों इस बार भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर ने सभी 11 खिलाड़ियों को बहुत ही सोच समझकर अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों ये थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा चुनी गई कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए बेहतरीन प्लेयर और प्लेइंग 11। दोस्तों आप इस प्लेइंग 11 में से अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।